नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। 2 फरवरी बड़ा रविवार करें यह उपाय। माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये स्वासिनी शांत मूर्ति और शांत मुद्रा है। अगर आप इस दिन इनकी आराधना करेंगे तो माता महागौरी की कृपा से अलौकिक स्थितियों की प्राप्ति आपको होगी। माता अपने भक्तों की दुख दूर करती है। इनकी उपासना से आर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो यदि आपका कोई कार्य बहुत दिनों के कारण अटका हुआ है तो इस दिन आप उसे माता की आराधना के कारण पूर्ण भी कर सकते हैं। और इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करने चाहिए। इस देवी की आराधना अमोघ और शुभ फलदायी है। भक्तों के पूर्व संचित पापों का भी विनाश कल के दिन इस दिन इनकी आराधना से हो जाता है। इनकी पूजा में यदि आप नारियल का भोग लगाएं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाद में इस नारियल को फोड़कर आप अपने घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। आपको एक लौंग लेनी होगी। लौंग पूरी साबुत और उसके ऊपर का फूल भी बना होना चाहिए। इस लौंग को लेकर आपको अपनी पूजा घर के सामने आ जाना है। यदि आपके सामने माँ लक्ष्मी या माता दुर्गा की तस्वीर हो तो वो और भी शुभ माना जाएगा। उसी तस्वीर के आगे आपको इस लौंग को रख देना है। यदि आपके घर के आसपास कोई दुकान हो तो आप वहाँ से एक नारियल भी इस उपाय के लिए ला सकते हैं। यदि आपको नारियल ना मिले तो आप इस लौंग के साथ ही उपाय कर ले। उसके बाद आपको वहाँ पर एक शुद्ध देशी घी का दीपक चलाना होगा। इस दीपक का इस नवरात्र के दिनों में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी दिव्य लोक में दिए के रूप में विराजित है। दीपक चलाने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इस महालक्ष्मी के महामंत्र का आपको 21 बार जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनकी आप पर विशेष कृपा आती है। जाप पूरा होने के बाद आपको माता महागौरी का उपासना मंत्र, जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसी मंत्र का आपको 5 बार जाप करना होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। स्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा सूचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। इसी मंत्र का आपको इसी तरह 5 बार जाप करना होगा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस लौंग को वहाँ से अपने दाहिने हाथ से उठाना होगा और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितने भी कार्यों में आपको संकट आ रही हैं, वो सारी चीजें आपको इस लौंग से बोल देनी है। परेशानियाँ बोलने के बाद आपको उस लौंग को उस शुद्ध देसी घी के ऊपर से 3 बार उल्टा घुमाना है। उल्टा मतलब एंटी क्लॉक वेज, यानी अपनी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। उल्टा घुमाने के बाद आपको उस नारियल को, यदि आपने नारियल खरीदा हो तो उस नारियल को छील कर आपको वहीं पर माता दुर्गा की या माता लक्ष्मी के सामने आपको फोड़ देना है। इसके बाद आपको उस नारियल का छोटा सा टुकड़ा वहीं प्रसाद के रूप में पूजा घर में रखना होगा और बाकी प्रसाद आप अपने घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। बाद में आपको उस लौंग को लेकर अपने घर की छत पर आना होगा। यदि आपके घर में छत ना हो तो आप खुले मैदान में जाएं, जो आपके घर के बाहर कहीं पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना मुंह दक्षिण दिशा की ओर करना होगा और अपनी आंखें बंद करके आपको इस लौंग को जितना दूर हो सके उतना दूर आपको फेंक देना है और उसके बाद वापस आपको अपने घर पे नीचे आ जाना है। या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वापस अपने घर आना है। नीचे आते वक्त आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और साथ ही अगर बाहर गए हैं तो भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके बाद आपको उस दिन सो जाना है और अगले दिन जो भी नारियल का प्रसाद आपने अगर नारियल फोड़ा हो तो उसका प्रसाद जो आपने पूजा घर में रखा है उसे आप किसी भी बड़े पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। इस उपाय को आपको 25 मार्च की रात 9 बजे के बाद ही करनी है। इस उपाय के बाद आपको अपने शरीर के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होगी। आपको परेशानियों का डर नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपको वो सारी परेशानियाँ खत्म होती दिखेंगी। इस उपाय को जरूर करें और देखिए आपके लिए ये कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।